हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम न्यू प्रैक्टिस सेट फाइल हम का डेटा। और यहाँ पर क्लास में मिलिया रैबिट और इंटो ग्लेस और इंटो लेगस। क्लास में मिलिया इसका और मामल आर द मोस्टली हाईली इन्वॉल्व एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। दे आर बिलोंग टू द क्लास में मिलिया मामा मैमा मीन्स ब्रेस्ट। दे इंक्लूड ऑल द फॉर्म्स विच फीमेल प्रोसेस मेमोरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विथ विच देर न्यूरिज न्यूरिस देर यंग बेसाइड्स दे आर वार्म ब्लडेड लाइक बर्ड प्रोसेस हेरी कवरिंग ऑन द बॉडी दे बॉडी एंड डायफ्राम सेपरेटिंग द थोरिक एंड एब्डोमिन कैविटीज एंड ग्राइंग फोर्थ देर यंग अलाइव बीवी पेरर इंस्टीड ऑफ लाइंग एग। इसका साइंटिफिक नेम यानी जियोलॉजिकल नेम ओरिंटो लैगस और क्यूनिकुलस। सिस्टमेटिक पोजीशन फाइलम का डेटा क्लास मैमेलिया और सब क्लास वर्टिब्रेटा। फाइलम का डेटा सब क्लास वर्टिब्रेटा सब क्लास टेट्रापोडा क्लास मैमेलिया सब क्लास यहाँ पर सब और थीरिया इंफ्रा यहाँ पर क्लास थीरिया ऑर्डर यहाँ पर लेगो मार्फा। तो जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर है तीन चीज़ें हैं फाइलम का डेटा और क्लास मैमेलिया और ऑर्डर लोगों मार्फा। ये तीन चीज़ें पूछ सकता ज़्यादातर। रिप्रेजेंटेटिव मैमेलिया टाइप्स जनरली प्रेफर्ड द ट्री एंड आल्सो इन जूलॉजी रैट रैबिट गिनिया पिग कैट फीटल पिग एंड मैन। ये सारे मैमल्स हैं जो कि ट्रीज किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रैबिट इज फर्निश अन एक्सीलेंट मटेरियल फॉर डिसेक्शन। रैबिट कहाँ पाया जाता है वाइंड राइंड डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन होम कॉस्मोपोलिटियन और वाइंड वर्ल्ड वाइड। यूरोपन ग्रे रैबिट यूरोपन में ग्रे रैबिट पाया जाता है और इंटोग्लेकस क्यूनिकुलस इन ऑल्सो कॉस्मोपोलिटियन और बर्ड इन द वर्ल्ड वाइंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिन होम ऑफ हैड बीन वेस्टर्न यूरोपन एंड अफ्रीका। जो ओरिजिन होम है इसका जहाँ से उत्पन्न हुए थे यूरोप एंड अफ्रीका से हुए थे। फ्रॉम द बियर इट कैरी आउट बाय द मैन एंड टू वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया सेवरल डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज हैव बीन राइज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बिल्ड फ्रॉम द सफरिंग इन कलर साइज एंड टेक्सचर ऑफ फर। तो इनकी ओरिजिन होम है यूरोप एंड अफ्रीका। हैबिटेट इट इज बिल्ड स्टेट रैबिट अकर इन द फाइल्ड ग्रासलैंड एंड ओपन वुडलैंड। हैबिटेट हैबिटेट रैबिट असली लीड टू फैसोरियल लाइफ ऑल्दो इट कैन लिव इन ग्राउंड ऑन डेंज अंडर ग्रोथ। इट इज दिक्स ए ब्रो कॉल्ड द बैरन। इसे यहाँ पर जो एक ब्रो खुदता है जिसे बैरन कहते हैं बिल्कुल। इट इज सॉफ्ट ग्राउंड विथ एड ऑफ द स्ट्रॉन्गली क्लाउड पॉलिम्स। इट इज ए ब्रो मे बी एक्सटेंसिव विथ सेवरल साइड ब्रांच आर द टनल विथ मनी आउटलेट। देयर इज नो रेगुलेटरी इन द देयर मैनेजमेंट अरेंजमेंट द ब्रो सर्वस शेल्टर फादर रिटायरिंग एट द टाइम ऑफ डेंजर फ्रॉम द प्रेडेटर एंड टू रियर द हेल्पलेस न्यूबॉर्न यंग। इट इज डज नॉट नॉर्मली वंडर फॉर फ्रॉम इट्स ब्रो रैबिट आर ग्रेगरियस एनिमल दे लिव एंड मूव इन ग्रुप ऑफ द फैमिलीज दे आर द हर्बीवोरस एंड डाइट फीड ऑन द ग्रीन वेजिटेशन असली नियर द बैरियर दे आर द
crepuscular in the habitat. It is coming out burrow for the feeding in twilight cheerfully at dawn and dusk. They resort refection or carpophagy. तो यहाँ पर एक कार्पोफेगी है. वाई द ईटिंग दे रूर शॉफ्ट नाइट ड्रॉपिंग विदाउट मास्टिकेशन द सेम फूड थर्स ड्रॉपिंग विदाउट मास्टिकेशन द सेम फूड थर्स प्रोसेस टू विच थ्रू द गट प्रोवाइड द मैक्सिमम नूरिशमेंट. रैबिट इज ए टिमिड एंड डिफेंसलेस बट वेरी क्लेवर एजाइल एंड फास्ट रनर. ऑन द सीन डेंजर इट थम्स हैंडलिंग्स It thumps handlings on the ground produce burning sound so that other maybe run set to safety. It is moved by barking, running and leaping and covers a distance of about 40 kilometers in all hours. Rabbit is a polygamous and one male live in the company of several females. Fertility is very high. A female reaches maturity at the age of the 6th month only. During an average life span, 8 years, female breast at 4 times. 4 times every year. Each litter comprise 5 to 8 youngs. At the time of birth, the young are the behind deep and naked, hairless and helpless. They are can feed on the milk by the mother who saw the parental care. So, एक वर्ष में यहाँ पर ये लिस्ट 4 times जो है 8 वर्ष में 4 times ब्रीड करती है, फीमेल करवाती है. और एवरी ईयर लेटर कंप्राइज 5 से 8 यंग्स. 1 वर्ष में 5 से 8 यंग्स और जो है बर्थ करती है. 1 वर्ष में 5 से 8 जो है यंग्स यानी बच्चे देती है. 5 से 8 तक और लगभग जो 8 साल में 4 बार जो है गिव और यंग वंस. पेरेंटल केयर शो करती है एट द टाइम ऑफ डेंजर. यंग वंस आर द शिफ्टेड टू सम सेफ प्लेस. व्हेन ए यंग वन डाइज इट इज रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम द ब्रो. Economic important rabbit are both useful as well as harmful to the mankind. They are the provide food for the snake, predatory birds, owls, hawks, wizards and mammals, stoats, foxes, walrus, cats. So they are food provide karta hai snake, predator, birds जैसे वाउल्स, हॉक, बुजार्ड आदि एंड मामल्स, स्टोर्टेस, फॉक्सेस एंड बाल्स बीचीज आर दे नेचुरल इनिमीज. दे आर नेचुरल इनिमीज होते हैं, इनिमी शत्रु. दे आर द कॉक्ड बाय द मैन फॉर द ब्लू वैल्यू ऑफ देयर फर एंड फ्लेश बाई शूटिंग, नेटिंग, स्नेरिंग एंड ट्रैपिंग. देर फॉर फेल्ट इट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्स, ग्लूब्स, कैप्स एक्सेट्रा. तो इसकी जो फर है, स्किन सॉफ्ट है, पर्स बनाने के लिए, ग्लूब्स बनाने के लिए और कैप बनाने के लिए यूज की जाती है मनुष्य के लिए. मैनी डोमेस्टिक वेराइटीज आर ऑल्सो सरोस ऑफ बैलूड मीट विच इज पटेबल एंड वेरी डिलीशियस. They farm useful laboratory for animal for study and research. The domestic pet provide entertainment especially to young people. On the other hand, they consume growing
crop and pasture intended for the cattle. अदर हैंड जे होता है कंज्यूम ग्रोइंग करते हैं क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप एंड पास्चर इंटेंडेड फॉर कैटल द ग्रेसी मिंडा मिंडा विल बी फॉल्ड बाय द एक्स्ट्रा बिकम अनफिट फॉर द ग्राजिंग दे आर स्नो एंड बाक ऑफ द यंग यंग ट्री दे आर स्नो स्नेव द बाक ऑफ यंग ट्री एंड ऑर्चार्ड एंड डैमेज देम और रैबिट आल्सो सर्व अस कैरियर इन द स्प्रेडिंग सम ह्यूमन डिसीज रैबिट एंड हेयर अदर जो वाटर लेगोमार्फा लेगो मीन्स हेयर लिटरली मीन्स द हेयर लाइक इट इज निकली रैबिट हेयर्स एंड पिकॉक्स पिकॉक्स रैबिट एंड हेयर्स closely resemble and the two names are the often used in confusion for the same type. The common rabbit is Oriento lagus cuniculus which is has worldwide distribution. The North India hare is Lepus rufecoeductus Lepus rufecoeductus जो North India में पाया जाता है रेडस रूपी क्रेडर उसका साइंटिफिक नेम है जूलॉजिकल नेम है बाइल द साउथ इंडियन हेयर इज नेग्रोकोलिस है और यहाँ पर नेग्रोकोलिस है इसका साइंटिफिक लीपस नेग्रोकोलिस जो साउथ इंडिया का है हेयर और नॉर्थ इंडिया का रूपी कोडेटस द टाइप डिफरेंट बिटवीन द रैबिट एंड हेयर हैव बीन गिवन इन द टेबल वन तो टेबल यहाँ पर नहीं दी गई है फिलहाल इसका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्वेश्चन फिर डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे उसमें हैंड लिम्स हो गए रैबिट के हेयर के वो बड़े होते हैं और रैबिट के छोटे होते हैं रैबिट स्मॉल क्वालिटी या बायोलेटरल सिमेट्री जो यहाँ पर खा चीज़ें वो पढ़ेंगे यहाँ पर The whole body is covered with soft uniform hair coat of fur. It is covered body heat and keeps the body temperature constant. 38.8 Celsius. It gives the wild rabbit characteristic color, which is dusty brown with white patches. डट्टी ब्राउन विथ वाइट पैचेस जो विल्ड हेयर होता है अंडर द टेल डट्टी ब्राउन वाइट पैचेस होते हैं टेल के नीचे अंडर द टेल कलर इज प्रोटेक्टिव सेंस इन द सर्वस कैमोफ्लेज विथ सराउंडिंग्स जैसा चारों ओर उनका वातावरण होता है उस तरह कलर होता है कलर ऑफ डोमेस्टिक वेराइटीज इज फुली वाइट और ब्लैक जो पालने योग्य खरा वो खरगोश होते हैं रैबिट तो उनको यहाँ पर जो ब्लैक या वाइट होता है कलर जो जंगली वाला होता है वो डोमेस्टिक वो कैसा होता है ब्राउन डस्टिक होता है कैसा होता है वो यहाँ पर होता है जो जंगल वाला होता है बिल्ड जिसे हेयर कहते हैं तो उसका यहाँ पर जो है ब्राउन और ग्रे होता है डस्टी ब्राउन ग्रे होता है और जो ब्लैक वाइट होता है जो पेटेबल होता है जो पाला जाता है घरों में डिवीजन ऑफ बॉडी हेड मेड अप फॉर डिस्टिंक्ट पार्ट हेड नेक ट्रंक एंड टेल जो बॉडी है चार भागों में बटी होती है बिरसरी इज लार्ज स्ट्रिप कैटल टेक्टाइल हेयर कॉल्ड द विस्कर्स या फिर बिरसी तो पूछते होता है बिरसी कहाँ पाई जाती है तो बिरसी माउथ पर पाई जाती है या पेज द टू लिटल हाफ ऑफ द अपर लिप एंड नियर द आइज अपर लिप नियर द आइज यानी माउथ पर पाई जाती है बिस्टी बिरसी ईच द बिरसी हैज कॉइल ऑफ द सेंसरिस नर्व एंडिंग अराउंड द बेस ऑफ फोलिकल तो इसमें यहाँ पर बिरसी है जो सेंसरी नर्व पाई जाती है इसमें एक्सटर्नल नारे पाए जाते हैं टू एक्सटर्नल नारे पाए जाते हैं दे आर सराउंडेड बाय द मोस्ट बेयर एरिया ऑफ स्किन
जिसे रिनियम कहते हैं, एक्टिन मारे हैं जिसे रिनियम कहते हैं, जो पाए जाते हैं बेयर एरिया ऑफ स्किन। जो यहाँ पर एक्टिनारे या नोरिस होते हैं एक पेयर, जो कि ओवल इंसुलेट होते हैं, फ्लेसी होते हैं, टिप ऑफ द स्नाउट, दे आर द सराउंडिंग बाय द मोइस्ट एरिया ऑफ स्किन, स्किन के एरिया से ढके रहते हैं, स्नाउट कहते हैं। ओपन इनटू द लार्ज ऑल्फैक्ट चैम्बर, नारे होते हैं वो यहाँ पर जिससे घिरे होते हैं, जो स्किन होती है उसे रिनियम कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है रिनियम इज, तो रिनियम इज कवर्ड सराउंडेड इन रिनियम, हो सकता है रिनियम क्या है, व्हाट इज रिनियम या रेमेडीज इन फाउंड इन, तो रिनियम इज यहाँ पर एक्ट्रा वो क्या कहते हैं, एक यहाँ पर स्किन एरिया होता है जो कि सराउंडेड बाई देयर स्किन को, जो नक्टन नारेस हैं उन्हें यहाँ पर उनके चारों या उन्हें कवर्ड पाया जाता है। एक स्किन होती है बेड स्किन सराउंडेड बाई सराउंडेड टू नक्टन नारे, इसे कहते हैं रिनियम। तो जो ओपन होती है लार्ज ऑल्फैक्टरी चैम्बर में टू आर लार्ज प्रोमिनेंट ओवल आईज आर located one other lateral lateral side on the middle head, each eye has permeable movable upper and lower eyelids, bear very fine and short eyelashes। यहाँ पर और certain external आरएस है ये पाया जाता है, certain external ears है जो rabbit में पाए जाते हैं, जबकि जो large longer external ears है वे यहाँ पर पाए जाते हैं हेयर में। तो यहाँ पर ये हेयर है और ये रैबिट है, ये जंगली वाला हेयर है और ये रैबिट जो पेटेबल है, ये रैबिट जो है वाइट या ब्लैक होता है और जो डस्टी ब्राउन होता है रैबिट हेयर। लीप ऑफ हेयर है जो नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। रैबिट जिसे ओरिंटोलेगस कहते हैं, इसके हाइंड लिम्स हैं थोड़े लॉन्गर होते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पर ये दूसरा डायग्राम है जिसमें जो बड़े लंबे ईयर हैं ये रैबिट है, ये खरगोश है, ये वो ये हेयर है, ये हेयर है, हाँ टाइप के हेयर हैं। और जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर ईयर हैं और हाइंड लिम्स है, ईयर और हाइंड लिम्स हैं जो हेयर के वो यहाँ पर थोड़े लॉन्ग होते हैं या लार्ज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है लगभग। ये जो सेंसारी बिस्टिली जिसे कहते हैं बरसी, यहाँ पर ये पाई जाती है, मूंछ की तरह होती है, हेयर होती है। रिनियम कहते हैं रिनियम इस चीज को, ये है नेक्टेडिन मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें, और एक्टेनल नारियल भी पाए जाते हैं, और टिम्पेनी मेम्ब्रेन या एयर ड्रम्स भी पाए जाते हैं जो कि पाए जाते हैं मेंढक में, यानी फ्रॉग। नेक इसकी होती है स्लाइटली एंगल होती है, फ्लेक्सिबल होती है नेक जैसे ह्यूमन की होती है उसी तरह, और सीलोम बल्कि बिसरा होती है, नेक डज नॉट कंटेन सीलोम, नेक में कोई सीलोम नहीं पाई जाती है। ट्रंक में थोरेक्स और अब्डोमेन होता है और रिब्स, और ट्रंक में क्या क्या पाया जाता है, थोरेक्स रिब्स थोरेक्स एब्डोमेन और स्टर्नम और रिब्स पाई जाती है ट्रंक में, ये चार चीज़ें पाई जाती हैं। टेटी जो है टीथ यानी जो मामल में होते हैं फीमेल में, चार से पांच होते हैं वो, दूध जिसे कहते हैं टीथ, जो कि मामरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, पेयर ऑफ मामरी ग्लैंड विच दे ग्लैंड ओपन इनटू द स्मॉल प्रोजेक्टिंग कॉल्ड द टीथ आर द निप्पल्स, चार से पांच हो सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है एनएस दी नोकलो का इंस्टीट्यूट ऑफ द पोस्टीरियर एंड एब्डोमिन जस्ट अबव कैरियर स्मॉल अपर्चस एनस।
और इसमें पेरेंटल सेंट ग्रांट पाई जाती है, सेंट ग्रांट पाई जाती है, यूरोजेनाइटल अपर्चर पाया जाता है। इन मेल रैबिट यूरोजेनाइटल अपर्चर लाइज एनस पेनिस पाया जाता है मेल में, और स्पोटल सेक्स पाई जाती है मेल में, मेल हेयर में। फीमेल रैबिट पेनिस स्कोटल आर अब्सेंट, फीमेल में तो पाई नहीं जाती। इसमें कहने की वो बात है क्लोरिएटिस से, यहाँ पर होमोलोग स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल फीमेल मेल की तरह होता है, मेल के पेनिस के समान होता है। क्लिटोरियस जो कि फीमेल में पाया जाता है ये, और होमोलोगस टू मेल पेनिस जो मेल के जो पेनिस है उसके समान होता है, क्लिटोरियस होता है। टेल जो है बर्सी एंड फरी होती है। टेल या टेट टू द हाइंड ट्रंक, आप हाइंड ट्रंक इज सर्वस बैलेंसिंग आर्गन डोरिंग मूवमेंट, मूवमेंट के समय बैलेंसिंग आर्गन का कार्य करती है टेल। वाइट वाइट पैच ऑन द लोअर सरफेस ऑफ टेल यूज एज गिव वार्निंग सिग्नल और केस ऑफ डेंजर। जो वाइट पैचेस होते हैं लोअर सरफेस टेल के जो नीचे सतह होती है उस पर पाए जाते हैं वाइट पैचेस, और जो कि यहाँ पर सिग्नल होते हैं वार्निंग जब यहाँ पर कोई भी खतरा हो, डेंजर टाइम और सिग्नल इन केस ऑफ डेंजर। लिम्स आर अपेंडेज, इसमें टूपियल पेंटाडेक्टाइल होते हैं यानी पांच उंगलियों वाले टू लिम्स होते हैं, जैसे हुमन में होते हैं पांच उंगलियों वाले, इसे पेंटाडेक्टाइल कहते हैं। लिम्स दे आर पोस्टेड क्रॉसिंग और रेस्ट आर फीडिंग, अपर लिम्स आर शॉर्टर होते हैं, हाइंड लिम्स थोड़े लॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। पैम एंड सोल आर बहुत हैवी होते हैं। फोर लिम्स जो हैं ईच लिम्स यहाँ पर थ्री पेयर होते हैं, प्रॉक्सिमल अपर ब्रैंकियम मिडल एंटीरिकियम, यहाँ पर जो ब्रैंकियम है वो मिडल होता है और एंटीब्रैकियम जो है वो यहाँ पर एंटीब्रैकियम मिडल होता है, आउटर जो होता है आउटर ब्रैकियम होता है, इनर एंटीब्रैकियम होता है। और यहाँ पर द हैंड फर्दर इंक्लूड रिस्टार कार्पस पाम या मेटा कार्पस, फाइव फिंगर्स होती है इसमें, फाइव फिंगर्स एंडिंग द शार्प पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड होती है यहाँ पर, नुकीली होती है किनारों पर। पेक्टोरल ग्लिड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रॉक्सिमल अपर एंड आर्म्स ब्रैंकियम, मिडिल फोरम एंटीरियर, अपर होती है यानी आउटर ब्रैंकियम, मिडिल होती है एंटी ब्रैकियम और डिस्टल होती है माइनस। ये थ्री गिडल पेक्टोरल पाए जाते हैं, ब्रैकियम एंटी ब्रैकियम और माइनस। फोर लिम्स आर यूज फॉर द डिगिंग ब्रो एंड अब्सॉर्बिंग शॉक आर द अलाइटिंग आफ्टर द लीप। हाइंड लिम्स ईच हाइंड लिम्स अराइज फ्रॉम द लेवल ऑफ पेल्विक, गिडल आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ प्रोक्सिमल थाई फीमर सेंग कार्पस एंड फूट पेस आर फॉर द एंगल टार्सस एंड मेटा टार्सस। तो जो थाई है हैंड लिम्स है जिसमें थाई फीमर सेंग कार्पस फूट आदि चीज़ें पाई जाती है, टार्सस भी पाया जाता है। रैबिट यूज बार्क ऑन द डिजिट कीप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंड फुट इलेवेटेड, दिस नोड मोड ऑफ बार्किंग इज कॉल्ड द डिस्टिग्रेड। तो द रैबिट है यहाँ पर यूज करता डिजिट कीप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंड तो एंड इलेवेटेड, दिस इज नोड मोड ऑफ बार्किंग इज कॉल्ड डिजिटल ग्रेड, यहाँ पर जो डिजिट से बार्क करता है तो इस तरह की बार्किंग को कहते हैं डीजी ग्रेड। इट इज रन स्पीड यहाँ पर 30 to 70 किलोमीटर पर आवर से रैबिट इज कैपेबल फॉर, यानी 30 से 70 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ता है घंटे से, और इट रैबिट कैपेबल मूविंग डिफरेंट वे बार्किंग रनिंग एंड लीपिंग, टहलना और दौड़ना और उछलना, ये तीन तरह से मूवमेंट करता है। इसकी स्किन तीन पार्ट में बटी होती है जिसे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन कहते हैं, डर्मिस इपीडर्मिस डर्मिस, तो इपीडर्मिस के नीचे डर्मिस पाई जाती है, इनर जो आउटर है वो होते डर्मिस, इनर को इपीडर्मिस, आउटर को
रिपीटर में रेनर को डर्मिस कहते हैं, और इसमें टिश्यू पाए जाते हैं एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। हाइंड लिम में यहाँ पर फीमर, शैंक, कार्पस, ये टॉर्सल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इपिडर्मिस में यहाँ पर जो जोन पाए जाते हैं, मांगलिपियल लेयर पाई जाती है, कन्फाइन लेयर पाई जाती है, ट्रू लेयर पाई जाती है। इपिडर्मिस में सबसे आउटर लेयर होती है, इपिडर्मिस में स्किन की आउटर लेयर इपिडर्मिस होती है, इनर लेयर डर्मिस होती है। तो आउटर लेयर जो होती है इपिडर्मिस होती है, उसमें यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है इसके अंदर, उसमें मांगलिपियल लेयर और कन्फाइन लेयर पाई जाती है। मांगलिपियल लेयर में यहाँ पर एटेटम जर्मिनेट पेयर पाई जाती है, स्टेटम जर्मिनेट जो कि इनर मोस्ट होती है, और स्टेटम स्पोनिनम जो कि होती है जर्मिनल लेयर, आल्सो रिफेटर स्टार्टियल लेयर ट्रांसटियल लेयर, इट इज सरफल लेयर थिक मोड परंडल हेड होती है, जो लाइज होती है अबव जर्मिनल लेयर, जर्मिनल है इसके यहाँ पर ऊपर होती है स्टेटम, स्टेटम जर्मिनेट के ऊपर होती है स्टेटम स्पोनिसम और जो कि मेलिपियल लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसके अंदर पाई जाती है। स्किन पे यहाँ पर कैरेटिन पाई जाती है, डिपॉजिट कैरेटिन प्रोटीन होती है, स्क्लेरोटो प्रोटीन जिसे कैरेटिन कहते हैं। स्टेटो जो ग्रैनुलोसम है यहाँ पर तीसरे वाला है जो कि एपिडर्मिस पाया जाता है, ये यहाँ पर ग्रैनुलर लेयर होती है कंटेनिंग कैरोलाइटिन ग्रैनुलर्स। पार्टिकुलर डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग थिक एपिडर्मिस सच एज पाम्स एंड सोल्स, स्टेटम कुंडिकुलर्स अबव द, यहाँ पर कई जो पाई जाती हैं लेयर्स, स्टेटम कोनियम भी पाई जाती है, स्टेटम कन्फाइड लेयर होती है एपिडर्मिस में, यहाँ पर ये डर्मिस में पाई जाती है, कन्फाइड लेयर होती है, स्टेटम कोनियम होती है। तो डर्मिस जो है जो इनर लेयर होती है उसे डर्मिस कहते हैं। इसमें लिम्फ वगैरह सारी चीज़ें पाई जाती है, लिम्फ बेसल्स, कैपिलरी लूप्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाती हैं, माइक्रोस्कोपी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग पाई जाती है इसमें, और इनर वाली जो डर्मिस रहते हैं, मेलानिन पाया जाता है जब पिगमेंट कलर होता है, मसल फाइबर पाए जाते हैं, फैट पाई जाती है, स्टेटम एडिपोसिस पाया जाता है सर, और दिस फैटी लेयर जो होती है और जो स्टेटम एडिपोसिस कहते हैं इसे। तो डर्मिस में यहाँ पर कई चीज़ें पाई जाती हैं, और डर्मिस में यहाँ पर कई चीज़ें पाई जाती हैं, बेसल पाई जाती है, और लूप्स यहाँ पर नर्व सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग पाई जाती है, मेलानिन पाया जाता है, और फैट लेयर पाई जाती है, पिगमेंटेड मेलानिन पाया जाता है, फॉलिकल पाई जाती है, और देज मसल फाइबर अटैच टू द हेयर, फैट पाई जाती है, फैट स्टोरेज होती है इसमें, लूम्स ऑफ फैट इज डिफर एंड डर्मिस एंड सबक्यूटिन ऑफ टिश्यू दिस इज फैटी लेयर इज सबस्टेटम एडिपोसिस कहती है। डर्मिस जो होती है फैटी लेयर होती है जिसे स्टेटम एडिपोसिस कहते हैं, जो कि सर्वस द फूड सप्लाई एस एस हीट इंसुलेटर, भोजन को सप्लाई करती है ये लेयर डर्मिस, और साथ ही साथ उष्मा देती है यानी हीट इंसुलेटर होती है, एंड कौशन अगेंस्ट द मैकेनिज्म इंजोरी, और तकिए की तरह कार्य करती है जब मैकेनिक इंजोरी ना हो सके इसमें, इसलिए स्किन जो है डेरिवेट होती है हेयर, हेयर बनते हैं और हेयर पैपिला बनते हैं, बल्ब बनते हैं, बेस और रूट बनती है, सेवियस बनती है, सेवियस जो है सेक्रेशन होता है हेयर जो प्रिवेंट होते हैं ब्रिटल ब्राइट ऑयली सेक्रेशन, ये सेवियस होता है, सेवियस ग्लैंड के द्वारा ऑयली सेक्रेशन होता है, इलेक्ट्रोफिली होती है यहाँ पर, इन क्रॉस सेक्शन टाइपिकल हेयर, और यहाँ पर थ्री रीजन होते हैं, क्यूटिकल, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स होता है मिडिल आउटर क्यूटिकल्स, हेयर में थ्री रीजन होते हैं अपन, जिसमें यहाँ पर आउटर क्यूटिकल होता है और इनर जो है मिडल जो है कॉर्टेक्स होता है, और मिडल जो है इनर जो है
मेडुला होता है, 3 हेयर के पार्ट होते हैं, आउटर क्यूटिकल, मिडल यहाँ पर होता है कोर्टेक्स, और इनर होता है मेडुला। यूज ऑफ हेयर, यहाँ पर हेयर इंपॉर्टेंट कलर और कम्फ्लोज बनाते हैं, हेयर फॉर द इंसुलेटिंग हीट, इंसुलेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, और प्रिवेंट द अंडुलेट ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। इन्फ्रारेड मामल्स रैबिट एंड रेट्स में पाए जाते हैं इन्फ्रारेड के रूप में, और यहाँ पर हेयरी कवरिंग द पेलेज फ्रॉम द काइंड ऑफ द पेटेलेबल और ब्लैंकेट फॉर द सर्वाइवल कूल्ड। बेरीसी एक्ट टेक्टाइल रिसेप्टर एंड हाविंग सेवरल नर्व एंडिंग अराउंड द देन बेसिस।